मामूली सी कहा सुनी होने पर गांव खेड़की दोला के कुछ युवकों द्वारा एक युवक पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गुरुग्राम पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार, एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 2 कारतूस एवं 4 लकड़ी के डंडों को भी बरामद किया है। ACP क्राइम की माने तो गांव खेड़की दोला निवासी मोनू यादव ने पुलिस को शिकायत दी थी कि गांव के रहने वाले नवीन उर्फ गुरु और मनोज उर्फ कटप्पा ने 21 फरवरी को टोल के पास धरना स्थल पर आकर उसके साथ गाली गलौज की थी, जिसकी शिकायत उसने पुलिस थाने में देकर मुकदमा दर्ज करा दिया था। इलाके में मोनू यादव के नाम के युवक पर फायरिंग करने वाले कुछ गिरफ्तार हुए हैं, क्या इनकी पहचान हुई है और क्या मंशा थी इनकी फायरिंग के पीछे? ये 2 मार्च 2023 को मोनू, जो कि वहाँ खेड़की दोला पुलिस स्टेशन के इलाके का रहने वाला है और जो अहीर रेजिमेंट का जो मूवमेंट इन्होंने चला रखा है उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता वो अपने आप को बताता है, और उस पर उस दिन कुछ लोगों ने गोली चला के और उसको घायल किया था, जिसके संबंध में हमने खेड़की दोला पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर द्वारा की गई, और उसमें जो शामिल 6 आरोपियां थे उनको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, और इनसे हमने एक कैंपस गाड़ी जो उसमें यूज हुई थी, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन व खोल व 4 लाठी डंडे हमने इनसे बरामद किए हैं। पूछताछ पे इन्होंने ये बात बताई है कि इसमें इससे पहले इन्होंने मोनू के लोगों ने इनके किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा किया था, जिसके संबंध में भी खेड़की दोला पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर है, और उसकी रंजिश में जो नवीन उर्फ डॉक्टर है उसने इन सबको इकट्ठा करके और इस सारी योजना के तहत ये झगड़ा किया। इसमें हमने जिन जिन को गिरफ्तार किया है उनमें नवीन उर्फ गुरु, मनोज उर्फ कटप्पा, सुनील, कृष्ण कमल उर्फ गुरु, नवीन उर्फ डॉक्टर व सुखबीर उर्फ मीनिया, ये लोग शामिल हैं। इनका एक साथी अभी और हमें जिसके बारे में सूचना मिली है उस पर हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उसको भी हम गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। सर, कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल इनका पता चला है? इसमें जो हमने गिरफ्तार किए हैं एक आध व्यक्ति पहले भी केस में गिरफ्तार हो चुका है, इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, फिर भी पूरी डिटेल्स हम पता कर रहे हैं और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। सर, कहाँ कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये कुछ गुड़गांव से, कुछ भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हमने गिरफ्तार किए। गोली किसने चलाई थी? सर, कहाँ के रहने वाले हैं 6 और भी? ये अलग अलग जगह के ही रहने वाले हैं, इनमें कुछ एक गुड़गांव के और जैसे कि मैंने बताया भिवानी और चरखी दादरी के भी रहने वाले।